तो गाइस हमारा गांव बहुत ही मुसीबत में है, पानी के लिए बहुत हर लोग तरस रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग भी अच्छे हैं। हर देख रहे सुबह सुबह का टाइम, मैं धूप में बैठी हूँ, कहाँ है। तो हम लोग आज आए हुए हैं अवनी का इंटरव्यू दिलाने बिरकरा, तो देख सकते हैं, तो देख सकते हैं रोड में इतना सारा भीड़ है। इधर रहा ये स्कूल है, ये रहा स्कूल। तो अभी इन इंटरव्यू के लिए अंदर जा चुके हैं बच्चे, और हम लोग को पेरेंट्स सबको बाहर ही रुकने के लिए बोले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, अब उन लोग का एग्ज़ाम पता नहीं 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा हो सकता है, तब तक हम लोग इधर ही रुकेंगे। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप सबको दिखाएँगे हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा। तुम निकल गया उधर देख रहे हैं, देख सकते हैं सारे बच्चे निकल रहे हैं एग्जाम देके। ये रही अब इधर। तो अभी सारे बच्चे निकल के जा चुके हैं, कुछ बच्चे हैं हम लोग इधर बैठे हुए हैं, इधर ये लोग ठंडा उंडा पी रहा है। अब ये लोग ठंडा पी रहा है, अभी इधर से जाएंगे दीदी घर गोपोड़ी, चलिए दिखाते हैं रास्ते में। तो देख सकते हैं पीछे तरफ कब्रिस्तान है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यही नहीं चलते मुख्य तो लगा थे देख सकते हैं। उधर जाना है, वो इधर ही जाना है, वो लड़की लग जा रहा है तो जल साइकिल उसको फॉलो करो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं इधर। तो गाइस हम लोग दीदी घर आ चुके हैं, देख सकते हैं इधर दीदी है। हेलो। हाँ तो दीदी हम लोग के लिए कितना सारा वैरायटी नाश्ता बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। रुको देखते हैं इतना सारा स्पेशल नाश्ता है, क्या है, छिलका रोटी, मड़ुआ भी मिला है इसकी, रागी का। हाँ मड़ुआ रागी या नीमकी, और ये क्या है, अरसा पिठा, आलू बरबटी भुजिया, चिकन भी है देख सकते हैं। और हम लोग इधर बैठे हैं, भूखे हैं सुबह से, अभी नाश्ता करेंगे। तो देख सकते हैं उधर मेरी छोटी सी आदिति टीवी देख रही है, दीदी की बेटी टीवी देख रही है। ये लोग यहाँ बैठ के आए कर रहे हैं क्या, आए तारी, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, बाकी मेंबर से बाद में मिलाएंगे। हाँ, हो देख सकते हैं नाश्ता। तो गैस देख सकते हैं दीदी बाबू को सुला रही है, और इधर छोटी दीदी प्रसादी निकाल रही है। ये लोग गए थे सोमनाथ मंदिर, और ये देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर के, ये देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर का मंदिर को ही लेके आए हैं, देख सकते हैं। हम लोग तो देखे नहीं है, अभी देख रहे हैं, रियल जैसा लग रहा है। और ये कहाँ जगह, पोरबंदर भी गए थे, तो पोरबंदर से ये लेके आए हैं गांधी जी का चरखा, जहाँ गांधी जी कपड़ा बुनाई करते थे, देख सकते हैं। नहीं ये चरखा पे कपड़ा बुनते थे, ये हम लोग खाली देखे थे किताबों में पढ़े थे ना, और ये ऑटो वही वाला है। तो ये लोग कहाँ कहाँ गए थे, अब क्या क्या लाए हैं सबको हम लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग भी दिखाते हैं। देखा गिरनार हिल, क्या कहे ना, गिरनार हिल जाए थे, गिरनार हिल इसको क्या बोलते हैं, रोपवे, इसमें बैठ के लोग घूमने गए थे। मतलब कौन सा मंदिर, गिरनार हिल गए थे, मंदिर का नाम अम्बाजी टेम्पल गए थे इसमें बैठ के। ये तो मैं सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे, ये लोग तो घूम के आ गए, पता नहीं हम लोग को, पता नहीं हम लोग को कब मौका मिलेगा, किसी दिन मिलेगा मौका तो जाएंगे। तो इधर माता जी सोए हुए हैं, और उधर अवनी का मस्ती चल रहा है, देख सकते हैं ये मंदिर का प्रसादी, कहाँ कहाँ का प्रसाद है, सोमनाथ और द्वारिका अम्बाजी का, अलग अलग प्रसाद लेके आए थे। आदिति बहुत एक्साइटेड है प्रसादी देखने में, देख सकते हैं कहाँ छुप रही है।
तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं। बाबू तो गुस्सा है, बात भी नहीं कर रहा है। देखो बाबू बाय बाय। अरे बाबू पापा खा रहा है, हम लोग तो खा लिए, बचा दिए थे ना उनका के मोबाइल में से। बाबू हेलो बोलो तो। हेलो बोलो बेटा। हेलो गाइस बोलो। हेलो हेलो। देख रहा है तो अभी हम लोग यहाँ से निकल के मामा घर जाएंगे, वहीं जाके मिल। तो गाइस दीदी का घर से निकल के हम लोग मामा घर गए थे, लेकिन वहाँ वीडियो बनाने नहीं सके क्योंकि वहाँ हड़बड़ी में हम लोग निकल गए, क्योंकि घर से फोन आया कि जल्दी आओ, क्या घूम रहा है तुम लोग घर में, इतना सारा काम है। और हम लोग का घर में क्या काम है, अभी आके हालत ख़राब हो गया है होने वाला है, क्योंकि हमारे गाँव में पूरा सूखा पड़ चुका है, पानी का एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। चलिए आप सबको दिखाते हैं हैं, इतना सारा बर्तन धोना है, सुबह से नहीं धोए हैं, एक कुछ कुछ धो लिए बड़ा बड़ा, जब डेक्ची सब जा जो हम लोग का दही बड़ा आलूदम बनता है वो बड़ा बड़ा डेक्ची सबको धो लिए, 5-6 डेक्ची था धो लिए। कितना देर में पानी निकलता है देख सकते हैं, इतना जोर लगाने के बाद ऐसा लाल पानी निकल रहा है, वो भी कितना देर में, इतना थोड़ा थोड़ा निकालने सक रहे हैं। तो इतना सारा बर्तन धोना है अभी, और पानी निकल भी नहीं रहा है, देख सकते हैं कैसा। नहीं निकलेगा रे भाई। तो अभी हम लोग पानी खोजने जा रहे हैं, देख सकते हैं मैं 2 बाल्टी पकड़ी हूँ, कहीं जा रही हूँ, और आगे मेरे पापा जी जा रहे हैं साइकिल में कहाँ से पानी लाने, क्योंकि हमारे गांव में बिल्कुल पानी नहीं है। पहले से एक सप्लाई नल था रेलवे वाला का था, वो तो बंद कर दिया, और ये चापाकल था उसमें पानी भी निकलना बंद हो गया। कल शाम को कहीं से लाए थे वही पानी, दिन भर का काम चला। तो आज हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कहीं से पानी लेके आ रही है डेक्ची में उठा के, जंगले जंगल तरफ हम लोग भी जा रहे हैं उधर ही। तो चलिए दिखाएंगे हम लोग कहाँ से पानी लाने जा रहे हैं। तो एक जन नहा के साइकिल में आ रहा है, देखो पानी लेके। तो गाइस देख सकते हैं उधर हमारे लोग का बस्ती है, और बस्ती का ये बाउंड्री का इस पार, इधर रेलवे वाला का काम उम चल रहा है कुछ, गिट्टी बालू रोड क्या ढलाई सब हो रहा है, तो वो लोग का बोरिंग किए हुए हैं, तो हम लोग वो लोग से रिक्वेस्ट करके पानी मांग रहे हैं। तो हम लोग अभी आए हुए हैं उधर से पानी लेने, तो देख सकते हैं हम लोग अभी आए हुए हैं इधर। तो देख सकते हैं ये पानी पाइप से हम लोग ले रहे हैं, इधर काम उम चल रहा है उधर रेल लाइन तरफ, वही लोग से मांग के आ रहे हैं ले रहे हैं पानी। एक डेक्की ले चुकी अभी और आई है, देख सकते हैं ये तो कल से नहीं भरी थी, क्या करेंगे, पानी के लिए भीख मांगा। देख सकते हैं इधर बहुत सब लाइन लगे हुए हैं, देख सकते हैं डेक्ची हांडी बाल्टी जो मिला सब लेके आ रहे हैं, देख सकते हैं ये दौड़ रहा है हमें फर्स्ट फर्स्ट बोल के, छोटा बच्चा कोई नहीं बची बचेगा अभी, देखिए टॉप भी लेके आ रहे हैं, जो पहले आने वाला तो पीछे हो गया है सब। और बस्ती का कोई बाकी है तो बुला लो रे, 5 मिनट ही मिलेगा पानी। देख सकते हैं गाइस साइकिल में ड्रम लेके आ रहा है ये, दे दे हो गया यार, पूरा बाल्टी कोई के भाग से डाल देते हैं। आए के आगे भाई के नहाते लोधा मरा के लाजे भाई के नहाते, तो देख सकते हैं इधर इधर इतना सा खाली है, ये भी 3 बाल्टी भरे हुए हैं, एक ये देखिए धोई वाला बन से दे दन तनतनी जा रे भरे वाला कट दे भरे वाला। तो देख सकते हैं सारे लोग आए हुए हैं, और हम लोग का इधर रेल लाइन गड्ढा है, उधरी का काम चल रहा है, ये लोग से रिक्वेस्ट किए हैं बल्कि दे रहे हैं, क्या करेंगे, ये लोग का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद ना। तो बहुत परेशान है भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो गाइस देख सकते हैं इतना बड़ा बाल्टी लेके जा रही हूँ मैं, और आना है। अरे बाप
लड़की बाज तो गाइस मैं एक बार ले चुकी हूँ और अभी मेरा पारी नहीं आया है। तुम एक बार ले चुकी हो बोल रहे हैं, इसलिए मैं इधर खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं सब कोई भीड़ लगे हुए हैं। मेरा पारी तुम एक बार ले चुकी हो, सब कोई बोल रहे हैं कितना डिक्ची हंडी है। और इधर माँ सब पानी भर रहा है, बच्चे इधर मस्ती कर रहे हैं बालू में। सीरियसली वाला चुप। तो एक जन देखने आ रहा है गाइस, देख सकते हैं बाइक में कौन कितना पानी भर रहा है। उसका घर वाला आए हुए हैं कि नहीं, लेकिन उसका घर वाला इधर है भाई, इधर हम है। देख सकते हैं, चेक करने आया है। तब से फोन कर रहे थे, नहीं उठाया फोन का, नहीं उठा ले। हाँ तो बेइज्जती कराते हैं वीडियो में। तो मोबाइल इतना भारी है, उठा नहीं पा ले। इंग्लिश एक ही बार मैंने लिया है और मुझे वेटिंग लिस्ट में रख दिया है, कब भरेंगे। शाम हो जा रहा है, बर्तन भी धोना है। तो गाइस पानी उनी भरने के बाद दिखाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो गाइस मैं एक बाल्टी पानी साफ वाला लेके आई हूँ, पहले से भरे थे इधर लाल वाला पानी। इधर लाल पानी से एक बार धोएंगे, साफ पानी में एक बार धोएंगे। तो मैं तो वहाँ थक गई हूँ, सब कोई पारी पारी बोल रहा है, वहाँ ऐसे बैठ बैठ के भी टाइम बर्बादी जैसे लग रहा था। तो इसलिए मैं चलो चलती हूँ बर्तन धो लेती हूँ, लाइन पे लगा के आई हूँ। हमारे घर के दो मेंबर लाइन में लगे हुए हैं, तो अभी मैं बर्तन धोऊंगी। देख सकते हैं ये रहा, पानी सुखा लिया है। हैं? खोली है और क्या कर रहे हो? वहां से खाली हुई लगाने नहीं जाबे का। तो ये मैंने बर्तन धो के लेके आ गई। एक टॉप इधर है, एक टॉप इधर है, और पानी घर में बिल्कुल नहीं है। एक गुंडी लेके आई हूँ और लेके आना है, तभी मैं जा रही हूँ लाने। तो कैसे देख सकते हैं कैसे बचा बचा के पानी खर्च कर रहे हैं, जहाँ खाली मिला वहीं भर के रख रहे हैं। हमारा गांव बहुत ही मुसीबत में है, पानी के लिए हर कोई तरस रहा है। बच्चे तो दो दिन से नहा ही नहीं है, और लड़के लोग तो कहाँ इधर उधर जाके तालाब उलाब में जाके नहा दे रहे हैं दूसरे गाँव में, मतलब दूसरे बस्ती में। और पानी पीने के लिए तो मुश्किल से मिल रहा है, नहाएगा कौन? तो हमारा तकलीफ तो कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ वहाँ नेता साहब का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जाके बोलने से भी हम लोग जानते हैं तुम लोग परेशानी आएंगे बोल के बोलते हैं, और आते ही नहीं है, कौन समझेगा हमारा परेशानी। पानी के लिए इतना तरस रहे हैं, इससे उससे भीख मांगने जैसे मांग के हम लोग काम चला रहे हैं अभी। तो गाइस ये वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें मदद मिले। प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करो, मदद करो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।